जय श्री कृष्णा। ये प्रयागराज का संगम तट है और जहाँ पर राजा प्राचीन बर्री ने इतने यज्ञ किए थे कि उनका ये जो भूमि है ये भूमि कुसा से पूरी ढक जाएगी, लेकिन उनका जो कुसा था यज्ञ का, वे कुसा फिर भी शेष बच जाएगा। अधिक से अधिक यज्ञ करने के कारण इस स्थान का नाम प्रयागराज पड़ा। ये जो इसमें सफ़ेद पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ये सफ़ेद पक्षी यहाँ पर हमेशा नहीं रहते, केवल मात्र इसी समय आते हैं। और जहाँ मकर के सूर्य समाप्त हुए तो फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं। यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी तीनों का यहाँ पर संगम हुआ है, इसीलिए तीनों के संगम के कारण इसको प्रयागराज संगम बोलते हैं। यहाँ पर आदिकाल से ही सत्संग चलता रहा। पाणिनि कात्यायन पतंजल जी की शिक्षा भी यहीं पर संपन्न हुई, जो अक्षय भट्ट है किला के अंदर जमुना जी के किनारे, वे भी उसी के नीचे शिक्षा उनकी संपन्न हुई। और कहाँ का दिख रहा है, शिक्षा संपन्न हुई, वहीं पर वे पढ़ाई किए। और पतंजल जी ने जो शेष नाग का रूप धारण करके महाभाष्य बोला, वे स्थान भी यही है, प्रयागराज है। और ये बीच संगम है, यहीं पर गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलान हुआ। रामचरितमानस में तो ऐसा कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा, माघ मकर गत रवि जब होही तीरथ पति आव सब को ही, कि जिस समय माघ के महीने में मकर राशि के सूर्य हो जाते हैं, तीर्थों के राजा प्रयाग में सभी देवता अपना स्वर्ग छोड़ करके और इस प्रयागराज में आ जाते हैं। यहाँ तक है कि देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मजह सकल त्रिवेणी। देवता, मनुष्य, किन्नर सभी लोग आकर के और बड़े आदर के सहित त्रिवेणी में स्नान करते हैं।
जय श्री कृष्ण।